जिला कुल्लू में रविवार को कुल्लू अनुसूचित जाति कल्याण संघ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अनुसूचित जाति कल्याण संघ जातिगत भेदभाव मामलों को लेकर भी अभियान चलाएगी। कुल्लू के देवसदन में 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में चेष्टा हाई स्कूल में हुए जातीय भेदभाव के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जातिगत भेदभाव मामलों को लेकर बनाई जाने वाली टास्क फोर्स में अनुसूचित जाति के महिला मंडलों, युवक मंडलों की भागीदारी सुनिश्चित करने की भी मांग की गई, ताकि इस तरह के मामलों पर रोक लगाई जा सके। अनुसूचित जाति कल्याण संघ के अध्यक्ष दिलेराम ने कहा कि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती देवसदन में धूमधाम से मनाई जाएगी। उन्होंने उपायुक्त से कमेटी में अनुसूचित जाति के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति कल्याण संघ खुद भी कुल्लू जिला के स्कूलों में जाकर जानकारी लेगा और जानकारी को प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने अध्यापकों से अपील की है कि चेष्टा हाई स्कूल में जैसा वाक्य पेश आया है, वैसा वाक्य अन्य स्कूलों में पेश ना आए। हमारा शेष जो बैठक है, ये 14 अप्रैल को जो बाबा साहब का जन्मदिन है, उसको बनाने के लिए जो हम उसकी रणनीति बना रहे हैं, और उसके बाद जो आज की बैठक का मेन जो मुद्दा है, जो आज स्कूलों में जैसे चेष्टा स्कूल में जो है अनुसूचित जाति के बच्चों से मतभेद हुआ है, और वैसे ही और जो इंटीरियर के स्कूलों में जो ये मतभेद हो रहा है, और इसके लिए भी हम एक रणनीति बना रहे हैं, और जिसके लिए डीसी साहब ने भी एक कमेटी का गठित किया है ब्लॉक लेवल में, जिसका वीडियो चेयरमैन है। तो हमने डीसी साहब से यह भी अर्ज किया है कि उस कमेटी के अंदर जो है हमारे अनुसूचित जाति के कुछ लोगों की भागीदारी हो, ताकि हम उस इंस्पेक्शन में भागीदारी रखें। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।